नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी ध्यान दें, आप इस दिन से डाउनलोड कर सकेंगे अपना प्रवेश पत्र। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। जेक द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षाएं 14 मार्च से शुरू हो जाएगी। दसवीं की परीक्षा पहली पाली और इंटर की दूसरी पाली में होगी। डेट शीट के अनुसार मैट्रिक की परीक्षा 3 और इंटर परीक्षा की 5 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी, लेकिन इंटर साइंस की परीक्षा इस बार जो है 29 मार्च को ही खत्म हो जाएगी। आप सबको बता दूं कि आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र आज यानी कि 28 जनवरी से डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं इंटर की परीक्षार्थी को थोड़ा इंतजार करना होगा, वे अपना एडमिट कार्ड 30 जनवरी से डाउनलोड कर सकेंगे। विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड जैक की आधिकारिक वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in/jack से डाउनलोड कर सकेंगे। आप सबको बता दूं कि इस बार परीक्षा OMR शीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। OMR शीट पर परीक्षा के 5 मिनट बाद उत्तर पुस्तिका पर परीक्षा शुरू होगी। रांची में 10 लाख का इनामी तिलकेश्वर नामक उग्रवादी गिरफ्तार, राइफल समेत कई हथियार हुए हैं बरामद। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। रांची जिले में पुलिस ने शुक्रवार को प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक क्षेत्रीय कमांडर भी इसमें शामिल है, जिसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जानकारी के अनुसार उग्रवादियों की पहचान संगठन के क्षेत्रीय कमांडर सह प्रेस प्रवक्ता तिलकेश्वर गोप उर्फ राजेश गोप एवं संगठन के सक्रिय सदस्य सूरज गोप के रूप में की गई है। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने कहा कि तिलकेश्वर झारखंड के 5 जिलों रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और चाईबासा में 68 मामलों में वांछित था। SSP ने कहा कि उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस ने उग्रवादियों से एक राइफल, 2 देसी बंदूक, 10 कारतूस और 10 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। परीक्षा पे चर्चा में शामिल हुए झारखंड के बच्चे, पीएम मोदी ने छात्रों को तनाव मुक्त रहने का दिया मंत्र। दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा नजदीक है, इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्कूली बच्चों के साथ ऑनलाइन मुखातिब हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने देश भर के बच्चों के सवालों का जवाब दिया। इस मौके पर झारखंड के स्कूली बच्चों समेत राज्यपाल रमेश बैस और रांची सांसद संजय सेठ भी पीएम मोदी की बातों को ऑनलाइन सुना। पीएम मोदी की स्कूलों बच्चों के साथ संवाद को लोहरदगा के एकलव्य बालिका मॉडल विद्यालय की छात्राओं ने ऑनलाइन देखा। इस मौके पर स्कूल के टीचर्स भी साथ थे। पीएम मोदी की बातों को लेकर छात्राएं काफी रिलैक्स थी। कहा कि पीएम मोदी की बातें उन्हें प्रेरणादायक लगी। इधर जो है परीक्षा पे चर्चा को धनबाद के DAV स्कूल कोयला नगर छात्रों और शिक्षकों ने भी विद्यालय परिसर में ऑनलाइन देखा। पीएम मोदी की बातों से छात्र काफी प्रभावित हुए। वहीं दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में शामिल विद्यार्थी भी प्रोत्साहित हुए। वहीं साहिबगंज के विद्यार्थी और शिक्षकगण भी पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा को ऑनलाइन देखा। यहाँ के विद्यार्थी भी पीएम मोदी की बातों से प्रभावित हुए। राज्यपाल रमेश बैस भी रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार में विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम के तहत पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा छात्र छात्राओं के साथ किए संवाद को देखा। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि परीक्षा को लेकर बच्चों को अधिक परेशानी होने की जरूरत नहीं है, खुद में विश्वास रखें और मेहनत करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। वहीं गुरु नानक स्कूल में बच्चों और विद्यालय परिवार के साथ पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को रांची सांसद संजय सेठ ने भी सुना। सांसद ने कहा कि पीएम मोदी ने छात्रों को तनाव मुक्त रहने के कई तंत्र दिए, साथ ही कई सुझाव भी दिए। झारखंड की नागपुरी एक्ट्रेस रिया कुमारी हत्याकांड में रांची से तीसरी गिरफ्तारी बंगाल पुलिस ने की कार्रवाई। झालावुड अभिनेत्री ईशा आलिया उर्फ रिया कुमारी हत्याकांड में तीसरी गिरफ्तारी हुई है। ग्रामीण हावड़ा की पुलिस ने इस हत्याकांड में एक आरोपी को झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार किया है। इस तीसरे आरोपी का नाम मोहित कुमार है। आप सबको बता दूं कि पिछले दिनों अपने पति और बेटी के साथ मार्केटिंग करने के लिए कोलकाता जा रही नागपुरी एक्ट्रेस रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ग्रामीण हावड़ा की पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि इस हत्याकांड में मोहित कुमार को रांची से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मोहित ने ही वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार मुहैया कराया था। शुक्रवार की सुबह आरोपी को लेकर बंगाल पुलिस हावड़ा जिला के उलबेड़िया पहुंची और अदालत में पेश किया। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है।
आप सबको बता दूं कि इस हत्याकांड में ईशा आलिया उर्फ रिया कुमारी के पति प्रकाश कुमार और देवर संदीप कुमार पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों भाई जो है अभी जेल की हिरासत में है। आपको बता दूं कि 28 दिसंबर की सुबह रांची से कोलकाता आने के दौरान बगनान के महेश रेखा ब्रिज के पास ईशा आलिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ईशा अपने पति और 2.5 साल की बेटी के साथ कार से आ रहे थी। भाजपा नेता सुमित केसरी हत्याकांड मामले का हुआ है पर्दाफाश। 17 दिन बाद 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 हैं फरार। झारखंड में गुमला के पालकोट में भाजपा नेता सुमित केसरी हत्याकांड मामले का पर्दाफाश हो गया है। गुमला पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 3 देसी कट्टे और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP डॉक्टर एहतिसाम बाकरीब ने कहा कि गिरफ्तार अपराधी पूर्व में PLFI के संगठन के सदस्य थे। वर्तमान में सभी अपराधी एक गिरोह बनाकर अपराधी घटना को अंजाम दे रहे थे। सुमित केसरी से 2 लाख की लेवी मांगी गई थी, जिसको लेकर सुमित केसरी का अपहरण किया गया था। लेवी नहीं देने की बात कहने पर डेगा के पास विवाद हो गया, जिस कारण उसे गोली मारी गई थी। घायल अवस्था में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। सुमित केसरी की हत्या पुलिस के लिए चुनौती थी। लगभग 17 दिनों के बाद पुलिस को हत्याकांड मामले को सुलझाने में सफलता मिली है। माओवादियों के गढ़ रहे बुढ़ा पहाड़ पहुंचे हेमंत सोरेन, दौरा करने वाले झारखंड के पहले CM बने। हेमंत सोरेन कभी माओवादियों के गढ़ रहे बुढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने वहां 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की शुरुआत भी की, अधिकारियों ने यह जानकारी दी। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा यह क्षेत्र 3 दशक तक माओवादियों का गढ़ रहा, अब जो है सुरक्षा बलों ने इसे उनके नियंत्रण से मुक्त कराया है। अधिकारियों ने बताया कि सोरेन दोपहर के समय इस पहाड़ी पर पहुंचे, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अब अपना शिविर स्थापित कर लिया है। उन्होंने बताया कि 100 करोड़ रुपए की बुढ़ा पहाड़ विकास परियोजना के तहत गढ़वा की टेहरी पंचायत के 11 गांवों तथा लातेहार की अक्सी पंचायत के 11 गांवों का कायाकल्प होगा। सोरेन ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो यह रकम बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए की जा सकती है। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले 3 महीनों में 4 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लाभ इस क्षेत्र में ग्रामीणों को मिला। उन्होंने कहा कि माओवादियों के नियंत्रण से इसे मुक्त कराए जाने के बाद सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए खापरी महुआ गांव में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार नामक संपर्क कार्यक्रम शुरू किया, ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आप सबको बता दूं कि सोरेन के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा एवं अन्य कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। लातेहार और गढ़वा जिलों से सटा बुढ़ा पहाड़ झारखंड की राजधानी रांची से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 3 दशक बाद सुरक्षा बलों ने इसे माओवादियों के नियंत्रण से मुक्त कराया था। इसके लिए 3 विशेष अभियान चलाए गए थे। यह अभियान अप्रैल 2022 में शुरू किए गए थे। झारखंड में अगले 2-3 दिनों में पारा गिरने की है उम्मीद। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि झारखंड के उत्तरी हिस्से में न्यूनतम तापमान में अगले 2 से 3 दिनों में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है। इसके बाद तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। राज्य के शेष भागों में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। मौसम केंद्र के मुताबिक 28 जनवरी तक राज्य में सुबह के समय धुंध रहेगा, हालांकि बाद में आसमान साफ हो जाएगा। इसके बाद 29 जनवरी और 30 जनवरी को आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, हालांकि बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल मौसम केंद्र ने 1 फरवरी 2023 तक के लिए किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है। कहा कि राजधानी रांची में 30 जनवरी तक अधिकतम तापमान 29 और 30 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। रांची का तापमान 2.6 डिग्री घटा है। मौसम विभाग ने बताया कि 26 जनवरी को रांची का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री अधिक है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 2.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5.1 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान में 1.9 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगले 2 दिनों के दौरान देवघर, धनबाद, दुमका समेत कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। रांची और आसपास के कई इलाकों में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 29 जनवरी तक मौसम साफ रहने और 30 से 31 जनवरी को आंशिक बादल छा सकते हैं। जमशेदपुर में CM हेमंत की खतियानी जोहार यात्रा को लेकर तैयारी जोरों पर, उपायुक्त ने दिया है निर्देश।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खतियानी जोहार यात्रा के तहत 31 जनवरी को लेकर रोड शो और सभा प्रस्तावित है, जिसे लेकर झामुमो ने तैयारी शुरू कर दी है। एक सप्ताह के पहले ही झामुमो जिलाध्यक्ष ने पार्टी के वरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सभी के लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर दी, जिसके बाद से झामुमो की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आप सबको बता दें कि मुख्यमंत्री की यात्रा को सफल बनाने के लिए शहर में 20 होर्डिंग लगाई जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में कुल 1300 मोटरसाइकिल की अलग अलग टीम खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होगी। इधर पोटका विधानसभा क्षेत्र विधायक संजीव सरदार के नेतृत्व में 15,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। झामुमो पोटका प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन, जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू एवं डुमरिया प्रखंड अध्यक्ष मिराज सोरेन ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा ऐतिहासिक होगी। इसमें पोटका विधानसभा के सभी क्षेत्र से झामुमो कार्यकर्ता और लोग शामिल होंगे। आप सबको बता दूं कि खतियानी जोहार यात्रा को लेकर 31 जनवरी को गोपाल मैदान में जनसभा रखी गई है, जिसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन 30 जनवरी को सरायकेला में और 31 को जमशेदपुर में खतियानी जोहार यात्रा को लेकर रोड शो और सभा करेंगे। 30 की सभा सरायकेला स्टेडियम में होगी। सरायकेला में 30 को कार्यक्रम करने के बाद मुख्यमंत्री जमशेदपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। 31 की सुबह बिष्टुपुर परिसर में प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। चुनाव के दौरान झारखंड में सुनाई देगी बाहरी भीतरी की गूंज, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए हैं संकेत। झारखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंडा सीएम हेमंत सोरेन ने तय कर दिया है। समय समय पर उठता रहा भारी भीतरी का सवाल ही आसन चुनाव में शिद्दत से उठेगा। 3 दिन पहले ही हेमंत सोरेन ने चाईबासा में अपनी जोहार यात्रा के दौरान इसका खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में 1932 के खतियान की बात जो करेगा वही झारखंडी कहलाएगा। बिहार और यूपी के लोगों ने झारखंड को अब तक लूटा है। आप सबको बता दूं कि इससे पहले हाईकोर्ट में राज्य सरकार की नियोजन नीति रद्द होने पर हेमंत ने इसी अंदाज में कहा था कि बिहारी और यूपी के लोगों ने साजिशन नियोजन नीति रद्द कराई। आप सबको बता दूं कि चाईबासा में ही महीने भर पहले 1932 के खतियान का मुद्दा उठा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सभा में कहा था कि हेमंत सोरेन 1932 के खतियान की बात कहकर झारखंड के लोगों को बांटने का काम कर रहा है, बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। आप सबको बता दूं कि झारखंड में 1932 के खतियान का जिन समय समय पर निकलता रहा है, हालांकि इसका राजनीतिक लाभ अभी तक किसी को नहीं मिला है। आप सबको बता दूं कि झारखंड का सीएम रहते बाबूलाल मरांडी ने इसे हथियार बनाने की एक बार कोशिश की थी, उन्हें इसकी महंगी कीमत भी चुकानी पड़ी है। आप सबको बता दूं कि 1932 के खतियान को आधार बनाकर बाबूलाल मरांडी ने डोमिसाइल नीति बनाई थी, वह कोर्ट में जाकर निरस्त हो गई थी, साथ ही उनकी सीएम की कुर्सी चली गई थी। सीएम की कुर्सी जाने के साथ ही तब से लेकर अब तक बाबूलाल मरांडी की राजनीतिक में बेहतर तरीके से पुनर्वास नहीं हो पाया। आखिरकार वे बीजेपी के शरण में वापस लौटे, लेकिन यहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। उन पर 4 साल से दल बदल का मामला स्पीकर के यहां चल रहा है। निर्णय में विलंब होते देख वे हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाल ही में हाईकोर्ट से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। इस बार हेमंत सोरेन ने यह जोखिम मोल लिया है। 90 दिनों से हड़ताल पर एचईसी के कर्मचारी, सीआईएसएफ और विरोध कर रहे कर्मचारियों के बीच झड़प, विरोध स्थल से हटाए गए कर्मचारी। बकाया वेतन की मांग को लेकर विरोध कर रहे एचईसी कर्मचारी और सीआईएसएफ के बीच झड़प हो गई। सीआईएसएफ एचईसी कर्मचारियों के बैनर पोस्टर पर आपत्ति दर्ज करा रहा है। सीआईएसएफ का कहना है कि बैनर और पोस्टर की वजह से उन्हें ड्यूटी करने में परेशानी आ रही है। विरोध कर रहे कर्मचारियों को घटना स्थल से हटाया गया है। विरोध कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि प्रबंधन की साजिश है, प्रबंधन नहीं चाहता है कि विरोध प्रदर्शन जारी रहे। वहीं सीआईएसएफ ने कहा है कि कर्मचारी विरोध करना चाहते हैं तो करें, लेकिन तामझाम के साथ विरोध प्रदर्शन से उन्हें परेशानी है, इससे ड्यूटी में बाधा आ रही है। इस तरह से धरना प्रदर्शन करना सरासर गलत है। यह जो रास्ता है वह एक्सेस कंट्रोल है, जो कि सीआईएसएफ के अंडर आता है। गेट पर धरना करना गलत है। आप सबको बता दूं कि पिछले 90 दिनों से एचईसी के अधिकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीआईएसएफ की आपत्ति पर एचईसी के कर्मचारियों ने कहा, यह बैनर सीआईएसएफ को 90 दिनों के बाद नजर आ रहा है। जिस बैनर पोस्टर से इन्हें परेशानी हो रही है, इसे हम आज या कल से लेकर नहीं आ रहे हैं। 90 दिनों से इसी तरह के बैनर पोस्टर के साथ विरोध कर रहे हैं। वेतन नहीं मिलने से नाराज एचईसी कर्मचारी धरना पर हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।